नमस्कार दोस्तों, आज म्यूज़िक की दुनिया से थोड़ा सा अलग एक हेल्दी टॉपिक के ऊपर हम एक वीडियो बना रहे हैं, जिसमें कि हम सीखेंगे हाउ टू मेक बनाना शेक। ड्राई फ्रूट्स भी हम मिक्स करेंगे, और ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं खुद ही ये बनाना शेक प्रॉपर डेली नित्य में लेता हूँ, और मुझे खुद में बहुत ही फिटनेस महसूस होता है, और लेने के बाद बहुत ही स्ट्रांग फील होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप सभी से भी शेयर करता हूँ। म्यूज़िक की दुनिया तो है ही, साथ साथ कुछ अगर पॉजिटिव, कुछ अच्छी चीज़ अगर मेरे सामने आता तो सोचता हूँ आपसे शेयर करूँ। तो आइए सीखते हैं ये बनाना शेक कैसे बनाते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमने मिक्सी के जार में सबसे पहले दूध लिया है। इसमें अब ये केले जो कि इसमें हम मिक्स करके डालेंगे। तो देखिए दोस्तों, अपने ज़रूरत के हिसाब से हमने इसमें केले डाल दिए हैं, जो कि अभी इसमें कुछ और ड्राई फ्रूट्स मिलाएंगे, फिर इसको मिक्स करेंगे। अगली विधि जानते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जिसको कि हमने रात में ही पानी भिगो दिया था, जो बिल्कुल तरोताज़ा होकर तैयार है। इसको हम निकालेंगे और हमारे इस शेक प्रक्रिया में इसको डालेंगे, फिर मिक्स करेंगे। तो आइए अगली विधि जानते हैं। दोस्तों ये देखिए मुनक्का है, इसको रात भर भिगो दिया था, और इसके जो बीज हैं उसको ऐसे निकाल लेंगे हम किसी बर्तन में। और ये अब मुनक्का भी हमने इस शेक में डाल रखा है। अब ये कुछ हमने बादाम जो भिगो रखे थे उसको निकाल कर अब इसमें ऐसे डाल रहे हैं। दोस्तों ये पिस्ता है, इसको हम इसके कवर्स को हटा लेंगे। तो दोस्तों जैसा कि हमने पिस्ता को अलग अलग कर लिया उसके कवर से, हम इसमें डाल देंगे। अब दोस्तों ये काजू हमने ले लिया, उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्योंकि बीच में कभी कभी जो है वो कुछ कीड़े भी मिलते हैं काजू में, तो हमने इसको अलग करके अब इसमें डाल दिया। इसके बाद दोस्तों एक और इंग्रेडिएंट इसमें मिलाते हैं, जो कि ये संजीवनी के नाम से है, और मैं अपने स्वादानुसार इसको मिलाता हूँ। ये न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है, विटामिन्स अवेलेबल है, कैल्शियम है, मिनरल्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसको भी अभी डालेंगे इसमें। ये हमने संजीवनी मिक्स किया इसमें। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये हमारा ड्राई फ्रूट से युक्त बहुत ही हेल्दी बनाना शेक तैयार है। अब इसको हम मिक्स करेंगे मिक्सी में। तो दोस्तों ये हमारा मिक्सी, इसमें हमने सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब डाल दिए दूध के साथ, बनाना के साथ। अब इससे इसमें इसको हम ग्राइंड करेंगे। देखते हैं कि कैसा अभी बना है और मिक्स करने की ज़रूरत है। तो ये देख सकते हैं अभी बादाम पूरा ग्राइंड हुआ नहीं है, कुछ कुछ चीज़ ग्राइंड तो हो गई हैं, तो थोड़ा सा थोड़ी देर और इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे ग्राइंडिंग वर्क के बाद ये बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ चुका है हमारा ड्राई फ्रूट्स। तो आपके बीच ये प्रस्तुत है, आपके बीच ये बिल्कुल ही टेस्टी बनाना शेक ड्राई फ्रूट से युक्त प्रस्तुत है। आइए अब इसको हम क्लास में सर्व करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये देखिए आपके बीच ये बहुत ही हेल्दी ड्राई फ्रूट्स से युक्त हमारा बनाना शेक तैयार है, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही लाभप्रद है। इसको पीने के बाद बहुत ही स्ट्रांगनेस फील होता है, और हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स, जो कैल्शियम, जो आयरन की कभी कभी कमी हो जाती है, तो उसको ये फुलफिल करता है। तो आप उम्मीद है इस ट्यूटोरियल से, इस बनाने की विधि से बहुत कुछ आपने सीखा होगा। आप भी इसको पिएं और हमारे कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा, और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। थैंक यू सो मच।